हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। एक्सेल के इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज ए फंक्शन। एवरेज ए फंक्शन क्या होता है एक्सेल के अंदर? द एवरेज ए फंक्शन इज एक्सेल स्टैटिकल फंक्शन। द फंक्शन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ सप्लाइड वैल्यू। जो हम वैल्यू ग्रुप बेसिकली ग्रुप ऑफ वैल्यू जो सप्लाई करेगा उसका क्या करेगा? एवरेज करेगा। बट इट्स डिफरेंट फ्रॉम एवरेज फंक्शन। क्या होता है? एवरेज फंक्शन से डिफरेंस होता है। क्या होता है? इट एवलुएट द लॉजिकल वैल्यू ट्रू और फॉल्स। मतलब इट रिप्रेजेंट इट नंबर रिप्रेजेंटेड एज ए टैक्स। बेसिकली क्या होता है, अगर कोई टैक्स है उसको एज ए नंबर रिप्रेजेंट, वेयर एज एवरेज जस्ट लाइक ए स्किप द वैल्यू ड्यूरिंग कैलकुलेशन। एवरेज क्या करता है, इस चीज को स्किप कर देता है, जबकि ये स्किप नहीं करता है। अगर सिंपल से वे में देखा जाए तो अगर डिफरेंस की बात किया जाए एवरेज और एवरेज ए में, तो अगर पहला अगर सिनारियो देखा जाए तो इफ यूज लॉजिकल वैल्यू और टेक्स्ट, मतलब हम कोई भी लॉजिकल वैल्यू और टेक्स्ट, मतलब लॉजिकल वैल्यू क्या होता है ट्रू और फॉल्स की बात कर रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर डेटा टाइप डायरेक्टली इन टू द लिस्ट आर्गूमेंट। बेसिकली ट्रू को क्या रीड करता है वन और फॉल्स को क्या रीड करता है जीरो। एवरेज फंक्शन, जबकि एवरेज ए फंक्शन भी हमको क्या करता है, इट काउंट एज ए वन और फॉल्स को जीरो। ठीक है, अगर बात करें द टेक्स्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज द नंबर एंड टाइप डायरेक्टली इन टू द लिस्ट आर्गूमेंट, क्या करेगा ये एरर कर देगा, वैल्यू में एरर बताएगा। व्हेन इंटर लॉजिकल वैल्यू विद इन एरे इन रेफरेंस आर्गूमेंट, तो ये क्या करता है एरे वाली वैल्यू क्या करता है एवरेज एवरेज में क्या करता है उस चीज़ को इग्नोर कर देता है, जबकि ये जीरो और वन के फॉर्मेट को उसको काउंट कर लेता है। एवरेज क्या करता है, इग्नोर कर देता है एवरेज, ये क्या करता है जीरो और वन के फॉर्मेट में काउंट कर लेता है। व्हेन वी इंटर टेक्स्ट दैट इंक्लूड एम्प्टी, मतलब डबल पैंक, दैट टेक्स्ट रिप्रेजेंट ऑफ नंबर और इट टेक्स्ट विद इन द एरर रेफरेंस आर्गुमेंट, क्या करेगा हमारा एवरेज फंक्शन इसको इग्नोर कर लेगा, जबकि ये क्या काउंट कर लेगा एज ए जीरो काउंट कर लेगा। और एम्प्टी सेल को क्या करेगा एवरेज फंक्शन इग्नोर करता है, जबकि एवरेज ए फंक्शन भी क्या करता है दोनों कंडीशन में इग्नोर करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि मेरे पास कुछ ये वैल्यू है, आप यहाँ पर देखिएगा मैं कुछ वैल्यू लेकर रखा हूँ, जैसे कुछ नंबर भी है, खाली सेल भी है, और यहाँ बात कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रू फॉल्स भी है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ। अगर एवरेज की बात करूँ मैं यहाँ पर, एवरेज जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था, अगर एवरेज फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ इन सारे वैल्यू के ऊपर, हमको क्या देता है सेवन देता है। अगर वही एवरेज ए की बात करूँ मैं, एवरेज ए की बात करूँ अगर यहाँ पर मैं एवरेज ए की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को मैं ले लेता हूँ, तो कभी हमको क्या देगा 3.75 देगा। क्यों? क्योंकि एवरेज फंक्शन क्या किया है, हमको इतने वैल्यू का एवरेज निकाल के दिया। अगर आपको चेक करना है उतनी वैल्यू को, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को सिलेक्ट किया तो हमको क्या दिया सेवन दिया। यहाँ पर हमने सारे वैल्यू को सिलेक्ट किया तो क्या दिया था सेवन दिया था। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली एवरेज, हमारे ओनली नंबर जो हमारे डिजिट होते हैं, जो नंबर होते हैं न्यूमेरिक वैल्यू होता है, उस चीज को काउंट कर रहा है, जबकि टेक्स्ट और ट्रू फॉल्स लॉजिकल वैल्यू को क्या कर रहा है काउंट नहीं कर रहा है। वही अगर एवरेज ए की बात करूँ, एवरेज ए क्या करता है हमारे इन सारे नंबर को काउंट कर रहा है। बेसिकली क्या कर रहा है, इसको क्या रीड कर रहा है एज ए जीरो रीड कर रहा है, इसको भी क्या रीड कर रहा है एज ए वन एज ए वन एज ए जीरो। तो हमारे पास कितने हो गए, अब यहाँ पर बात करोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट वैल्यू हो गया मेरे पास। अब अगर मैं इसका सम करता हूँ, जैसे अगर मैं कहूँ जो मैं इसका सम लिखता हूँ, सम क्या हमारे पास सम आएगा इसका 28 आ रहा है, और ए टू कितना होगा 30 डिवाइड बाई अगर 8 करूँ मैं यहाँ पर, अगर इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 8 करूँ तो हमको क्या मिलेगा 3.75 मिलेगा। अब 30 ये कैसे हुआ, ये दो वैल्यू जो ये टू और टू टू जो लिया हूँ तो इसमें वो भी तो ऐड हम मैं करूँगा ना, तो जब मैं उसको ऐड करूँगा तो क्या हमको करेगा ये 28 जो आ रहा है उसमें हमने क्या किया दो टू को जोड़ दिया, तो दो टू को जब हमने इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो 30 को हमने डिवाइड किससे कर दिया हमारे नंबर ऑफ काउंट से, ये नंबर ऑफ काउंट कितना है हमारे पास 8 है, इन सब का काउंट क्या हमारे पास 8 है,
तो मैंने क्या किया, 30 डिवाइड बाई 8 किया, तो हमको क्या आंसर में आया यहाँ पर, 3.75। तो ये क्या करता है, एवरेज फंक्शन हमारा क्या करता है, इन सबको एज ए वैल्यू काउंट कर रहा है, एक्सेप्ट ब्लैंक सेल को छोड़ के, जबकि हमारा एवरेज फंक्शन क्या करता है, ओनली नंबर को रीड करता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, एवरेज ए फंक्शन होता है हमारा एक्सेल के अंदर।